हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तो आप लोग कैसे हैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो चलिए फिर बनाते हैं चाबी से हम ढेर सारी बत्तियाँ क्योंकि तो दिवाली आ रही बत्ती तो हर कोई बनाता है और बहुत जल्दी बन जाती हैं दो मिनट भी नहीं लगेगा और आपकी बहुत ही यूज़फुल टिप्स लेकर के आप लोगों की सेवा में हाजिर हुई हूँ फिर से रोज़ की तरह हम ले कर के आए हैं इसमें हमारा एक भी पैसा नहीं लगेगा और हमारे काम बहुत चुटकियों में होने वाले हैं तो चलिए फिर देर ना करते हुए पहली टिप्स शेयर करते हैं जैसे कि इस तरह की बोतल होती है इसका हम आगे का पार्ट काट दिए हैं और ये जो है पीछे का निकाल दिए हैं और आगे का भी ये इतना हम कट कर लेते हैं तो कोई भी चाकू गरम कर लीजिए या किसी चीज़ से भी आप कट कर सकते हैं तो देखिए इस तरह से मैंने ये कट कर लिया है तो आप सोच रहे होंगे कि इसको हम किस लिए काटे हैं तो क्या होता है जैसे कि हम त्यौहार के मौके पे हो या ऐसे ही हो हम पूड़ी उड़ी बनाते हैं या कोई चीज़ तलने बैठते हैं तो उसके तेल के छीटे हमारे हाथ पे आ जाते हैं तो क्या करेंगे इसको हम इस कलछी के अंदर लगा देंगे और हाथ के ऊपर हमारी ये बोतल आ जाएगी तो इससे हमारे हाथ पे तेल नहीं छटकेगा और हमारा हाथ भी नहीं जलेगा और हमारा काम भी आसानी से हो जाएगा उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और आप लोग किस देश किस शहर से देख रहे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताना तो चलिए अगली हमारी यूजफुल टिप्स है जैसे कि हम मिश्री लेकर के आते हैं मिश्री नहीं सॉरी किशमिश किसमिस में हमारी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है उसके लिए क्या करेंगे थोड़ी सी चीनी हम इसके अंदर इस तरह से मिला करके और फिर एयर कंटेनर डब्बे में भर के रख देंगे इससे हमारी किशमिश बिल्कुल ख़राब नहीं होगी और ज़्यादा लंबे समय तक ये अच्छी बनी रहेगी तो इस तरह से आप चाहें तो चीनी का पाउडर भी डाल सकते हैं ना पाउडर हो तो चीनी को भी डाल करके आप अपने किशमिश को अच्छे से रख सकते हैं तो इस तरह से देखिए बंद करके अब आप चाहें तो फ्रिज में रख दें या बाहर रख दें आपकी किशमिश नहीं ख़राब होगी तो चलिए क्या होता है जैसे कि हम अपने बालों में मेहंदी लगाते हैं या कुछ करते हैं तो हमारे पास ग्लव्स नहीं है तो हम क्या करते हैं पन्नी बांध लेते हैं और उसकी वजह से हमारे हाथों में वो लग जाती है जिसके दाग बहुत मुश्किल से छूटते हैं अगर ब्लैक वाली है तो उसके लिए मैंने आपको टिप्स दी है पहले से ही अब इस तरह से क्या करेंगे चाकू गर्म करके और जितने भी निशान लगाए हैं उसको इस तरह से घुमाते हुए चाकू की सहायता से हल्के मतलब गर्म होना चाहिए और इस तरह से कट लगा देंगे बिल्कुल जितनी निशान लगाए हैं हम हाथ के सेब के उस तरह से लगा करके देखिए ये ग्लव्स बन के तैयार हो गया अब आप, आप इसको चाहें तो यूज कर सकते हैं तो चलिए देख लेते हैं अगली यूजफुल टिप्स क्या करेंगे एक ढक्कन ले लीजिए या कटोरी ले लीजिए जो भी आपके पास हो वो ले लीजिए इसमें हम एक बूंद हनी डाल देंगे क्या होता है हमारे चेहरे में झाइया पड़ने लगती हैं या झुर्रियाँ आने लगती हैं जैसे लगता है कम उम्र में ही बुढ़ापा दिखने लगता है तो इसके लिए हम क्या करेंगे थोड़ा सा इसमें नारियल का तेल डाल करके अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है मिक्स करने के बाद में आप अपने चेहरे पे इसको अप्लाई करेंगे तो इससे जो हमारी झुरियाँ होती हैं वो बहुत जल्दी हमारे चेहरे में चमक आती है और ये झुरियाँ एकदम गायब हो जाती हैं तो इस तरह से मैं अपने हाथों पे अप्लाई करके दिखा रही हूँ आप अपने चेहरे पर लगा सकते हैं त्यौहारों के मौके पर अपने चेहरे को चमकदार और ग्लो आ जाएगी आपके चेहरे पे एक बार जरूर ट्राई करना क्योंकि किचन में हमारे ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हम बिना केमिकल के अपने चेहरे को चमका सकते हैं तो देख सकते हैं इसको फिर नॉर्मल पानी से आप धुल लीजिए और आपका हाथ एकदम साफ हो जाएगा या चेहरा हो कुछ भी हो आप चमका सकते हैं तो इस तरह से चलिए देख लेते हैं अगली यूजफुल टिप्स क्या है कि हम ये अगरबत्तियाँ सभी के घर में मिल जाती हैं तो इसका हम सारा ये जो लगा है इसके ऊपर अगरबत्ती उसको हम रगड़ करके छुड़ा देंगे छुड़ाने के बाद में आगे हम इससे क्या करेंगे आप लोग देखते रहिए जिसको बिल्कुल भी नहीं आती है बत्ती बनाना उसके लिए हम पहले भी कई वीडियो डाल चुके हैं लेकिन आज चलिए हम बहुत ही इस, इजी तरीके से आपको बताएंगे बत्तियाँ बनाना क्योंकि बत्ती खरीद के लाएंगे या कैसे भी लाएं तो इस तरह से अगर हम घर पे बना करके तैयार करेंगे तो हमारा समय नहीं लगेगा और हमारा पैसा भी नहीं इसमें हमारा कोई पैसा नहीं खर्च होना है कॉटन सभी के घर में होती है तो इस तरह से किसी को बैठा लीजिए और इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कट करके रख लीजिए उसके बाद में एक पाटा ले लीजिए या या आपके पास चौकी हो उसको ले लीजिए और हाथ में हल्का सा दूध लगा लीजिए या पानी लगा लीजिए जो भी आपको समझ में आए वो लगा लीजिए और इस तरह से इसको हम रगड़ते जाएंगे और देखिए कितनी अच्छी बाती हमारी बन के तैयार हो जाती है और तुरंत इसको निकाल लीजिए ये हमारी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी अगर इस तरह से ना बने तो मैं दूसरी तरीके से भी आपको बताऊँगी कि किस तरह से बत्ती बनाएं इस तरह आप बनाएंगे तो ढेर सारी बत्तियाँ एक मिनट में बनके तैयार हो जाएंगी आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी हाथ से बनाते हैं तो बहुत टाइम लगता है और इस लकड़ी की सहायता से हम काफ़ी बत्तियाँ बना करके तैयार कर सकते हैं तो इस दिवाली आप इस तरह से बत्ती बना सकते हैं तो जैसे कभी कभी होता है हाथ हमारे सूख जाते हैं और नहीं बनती है तो इस तरह से आप लकड़ी की सहायता से ही अगर गदेरी से रगड़ देंगे तब भी हमारी बत्ती इस तरह से बन जाएगी देखिए इस तरह से आप हाथ से रगड़ देंगे जैसे बत्ती बनाते हैं उस तरह से ऐसे रुई हमारी फिसलने लगती है अगर लकड़ी के साथ में होती है तो बहुत जल्दी बत्ती बन के तैयार होती है उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी तो देखिए हम कितनी जल्दी ढेर सारी बत्तियाँ बन के तैयार हो चुकी हैं तो चलिए देख लेते हैं चाबी से हम किस तरह से बत्ती बनाएंगे क्योंकि चाभी से बत्ती हमारी बहुत जल्दी बन जाती है सबसे पहले तो चाभी में जैसे चाभी हमारी गुच्छे में पड़ी होती है उसमें से कोई चाबी निकालनी होती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं ऐसे निकलती नहीं तो एक चाकू ले लीजिए उसको इस तरह जहाँ पे इसका सिरा होता है वहीं पे इस तरह से फंसा दीजिए उसके बाद आप चाबी से निकाल लीजिए इससे आपकी चाबी बहुत आसानी से निकल जाएगी तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स हमारी पसंद आई होगी तो चलिए अब देखते हैं चाबी से हम बत्ती कैसे बनाएंगे तो चलिए फिर देख लेते हैं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमारी ये टिप्स आप लोगों को कैसी लगी कौन सी टिप्स आपको ज़्यादा यूजफुल लगी तो देखिए आप चलिए चाबी से हम बताते हैं आपको बत्ती बनाने को क्या करेंगे एक छोटा सा टुकड़ा ले लेंगे क्योंकि गोल बत्ती पूजा में बहुत ज़्यादा यूज होती है डेली तो हम गोल बत्ती ही जलाते हैं तो इस तरह से देखिए हम तीन साइड से इस तरह कोने से रुई को थोड़ा सा निकाल लेंगे फिर तीनों को दोनों एक साथ में पकड़ लेंगे पकड़ने के बाद में ऐसे हम अगर बताते हैं तो हमारी जो ऊपर की है वो छोटी बन जाती है फिर वो जलने में समस्या आने लगती है तो इस तरह से चाबी के ऊपर खींच लेंगे और खींचने से क्या होगा फिर बाद में थोड़ा सा दूध और इस तरह से लगा देंगे चाहे घी लगा दें इस तरह से देखिए कितनी गोल बत्ती एकदम गोल बन के तैयार हो गई है है ना कमाल की टिप्स तो इसी तरह आप भी इस तरह से बना करके चाबी से अपनी बत्तियां तैयार कर सकते हैं तो चलिए दूसरी बना करके दिखाते हैं इस तरह से रुई को चारों साइड से अच्छे से पकड़ लेना है उसके बाद में इस चाबी के अंदर हम इस तरह से डाल करके और इसको हम घुमा देंगे तो हमारी बत्ती बहुत ही सुंदर बनती है और ऐसे बनाते हैं तो इतनी जल्दी नहीं बनेगी तो इस तरह से आप भी बना करके अपनी दिवाली सजा सकते हैं क्योंकि दीपावली में बत्तियों का तो बहुत ही काम होता है और आज से दिवाली शुरू हो गई है तो आप लोगों को धनतेरस की बहुत बहुत बधाई देखिए मेरे बच्चे ने इसको कलर करके तैयार किया है तो चलिए इसको हम और सुंदर लगने के लिए क्या करेंगे चूड़ी ले लीजिए चूड़ी पे ऊन से इसको हम बांध दिए हैं पूरा बढ़िया अच्छे से इसको कवर कर दिए हैं अब इस तरह से दो चूड़ियाँ ले लीजिए आप और उसके ऊपर चिपका दीजिए इसके बाद में इसके ऊपर हम इस तरह से दिया रखेंगे तो ये देखने में काफ़ी अच्छी लगती है और रेड है तो और भी अच्छी लगेगी अगर दोनों दो चूड़ियाँ लगा देंगे तो इससे हमारी देखने में ये बहुत सुंदर लगती है दूर से कोई देखेगा तो कहेगा कितनी कलरफुल और अच्छी हमारी दियाली बनके तैयार हुई है तो चलिए देखते हैं अगली यूज़फुल टिप्स क्या है कि इस तरह की जो हमारी टी शर्ट होती हैं इनको हम प्रेस करके अलमारी में ऐसे रख देते हैं तो इससे हमारी क्या होती हैं प्रेस की जो सिलवटें हैं वो सिलवटें पड़ जाती हैं तो फिर वो पहनने का मन नहीं करता तो इस तरह से बीचो बीच सेंटर में हम इस तरह हैंगर को रख देंगे हैंगर को रखने के बाद में हम एक आस्तीन उठा करके और इसके अंदर इस तरह से फंसा देंगे इससे क्या होगा हमारी जो टी शर्ट हो या शर्ट हो उसमें सलवटें नहीं पड़ेंगी और कम जगह में ढेर सारे कपड़े हमारे आ जाते हैं तो इस तरह से खींच करके आप मतलब जहाँ से हमारी आस्तीन होती है वहीं पे हमें रखना है इससे आगे रखेंगे तो आप, आपकी टी शर्ट नहीं अच्छे से टंगेगी तो मैं यही बता रही हूँ कि जहाँ से हमारी आस्तीन है देखिए इस तरह से करने के बाद में अब ये जो गले का साइड है इसको हम अंदर से मोड़ देंगे इस तरह से और देखिए ये देखने में ही बहुत अच्छी लगती है और हमारी कम समय में हमारी अलमारी भी सच के मतलब अलमारी में हम ढेर सारे कपड़े रख सकते हैं उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और अपनों के साथ शेयर करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना मैं इसी तरह की यूजफुल टिप्स लेकर के आती रहती हूँ आप लोगों के लिए तब तक के लिए बाय बाय और हैप्पी धनतेरस थैंक यू